नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जल्दी से आइए, आपको दिखाता हूं देश दुनिया की बहुत बड़ी 25 खबरें। बिहार में फिर सियासी हलचल तेज हो गया है। कांग्रेस के 16 विधायक पहुंचे हैदराबाद, बाकी भी जल्द पहुंचेंगे। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट संभव। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का बहुमत परीक्षण कल, थोड़ी देर में हैदराबाद पहुंचेंगे महागठबंधन के विधायक। उत्तराखंड कैबिनेट से यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिली, 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा ड्राफ्ट। नोटिस और ईडी के समन पर केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा एजेंसियों को हमारे पीछे लगाया, वो कहते हैं बीजेपी में शामिल हो जाओ। विधायक खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी को भी नोटिस, क्राइम ब्रांच ने 5 फरवरी तक मांगा जवाब। ईडी की कार्रवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, किसी के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं। बीजेपी नेता मजिंदर सिंह केजरीवाल पर निशाना उन्होंने साधा, कहा अरविंद केजरीवाल अपने बुने जाल में फंसे। असम को पीएम मोदी ने दी 11,000 करोड़ की सौगात, 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया, कहा मां कामाख्या कॉरिडोर पर्यटन का प्रवेश द्वार। कल लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब, बीजेपी ने सभी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश दिया। बिहार में एक्शन में नीतीश सरकार, नीतीश सरकार ने 4 महत्वपूर्ण आयोग को भंग किया, बिहार में नए सिरे से आयोगों का गठन होगा। दिल्ली में अमित शाह से मिले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार मुलाकात। झारखंड से राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा किसान मजदूर युवाओं के साथ अन्याय कर रही बीजेपी, आदिवासियों की छीनी जा रही जमीन। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, कहा हमें निमंत्रण ही नहीं मिलता तो हम अपने आप क्या निमंत्रण मांगे। यूपी में 16 फरवरी को पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जयराम रमेश बोले गठबंधन दलों को न्योता दिया जाएगा। इंडिया में टूट पर बीजेपी का हमला, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा इंडिया खत्म हो चुका है। सिद्धू पर कार्रवाई के लिए पंजाब कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान को भेजी रिपोर्ट, चुनाव समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए थे सिद्धू, सूत्रों के हवाले से खबर। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, सभी सीटों पर कांग्रेस का माहौल, जीतने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार। सीएम योगी ने युवाओं को दी नौकरी की सौगात, गोरखपुर में नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे, कहा युवाओं को जॉब की गारंटी देनी चाहिए। ज्ञानवापी मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इंतजामिया कमेटी की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सियासी संग्राम जारी, नगर निगम के बाहर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था मॉस्को दूतावास का कर्मचारी, एटीएस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा के नारायणपुर इलाके में एक सीमेंट के गोदाम में लगी आग, आग लगने के कारण का नहीं लगा पता। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, गुलमर्ग में चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, पर्यटकों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बर्फबारी जारी, घर गाड़ियों समेत सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, बर्फ की मोटी चादर को हटाने का काम जारी। तो अब डिटेल में आपको वो खबर दिखाते हैं जो बताता है कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बन चुका है बल्कि भारत के ऊपर दुनिया के कई देश अब सुरक्षा को लेकर निर्भर हो रहे हैं। देखिए, ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर, रूस और फ्रांस के लड़ाकू विमान और रूस के टैंक, स्वीडन की तोप और वर्दी भी यूरोप की। आजादी के 60 साल तक भारत की सेना का हाल कुछ ऐसा ही था, हथियार और सैन्य साजो सामान दूसरे देशों से खरीदने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन बीते 10 साल में तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो अब सपना नहीं, सच्चाई बन गया है। भारत के पास अब स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है, लड़ाकू विमान भी भारत बना चुका है, हेलीकॉप्टर बना चुका है, टैंक बना चुका है, तोप बना चुका है और मिसाइलों के मामले में तो भारत बेजोड़ है ही। बीते एक दशक में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में लगभग 23 गुना बढ़ोतरी हुई है। हथियार और सैन्य साजो सामान बनाकर भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी ऊंची छलांग लगाई है। आत्मनिर्भर भारत के सपनों की उड़ान कितनी ऊंची है हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। भारत करीब
17,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। समंदर के सीने पर भारत की शक्ति की हुंकार भरता INS विक्रांत, ये आज के भारत की शक्ति है। गगन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की गर्जना अब पूरी दुनिया देख सुन रही है। भारत के दोस्त इसके मुरीद हैं और दुश्मन दहशत में। रेगिस्तान से पहाड़ तक देश की सीमाओं पर अर्जुन की दहाड़ भी पहले से कहीं ज्यादा तेज है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस की ताकत, रफ्तार और सटीक निशाने पर वार करने की काबिलियत का लोहा भी पूरी दुनिया मान चुकी है। समंदर, धरती, आसमान, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, चारों तरफ आधुनिक भारत के मजबूत इरादों की गवाही दे रहे ये हथियार बेहद खास इसलिए है क्योंकि इनमें भारत का फौलाद है। भारत की तकनीक है जिसे भारत के लोगों ने ही वर्षों की साधना के बाद तैयार किया है। इस कड़ी में ताजा नाम जुड़ा है INS संधायक का। 3 फरवरी 2024, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। स्वदेशी सर्विलांस शिप INS संधायक भारतीय नौसेना के बेड़े का वो पोत है जिसका मूल काम समंदर की निगाहबानी करना है। यह जहाज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इंसानियत की रक्षा करने के मिशन पर रवाना हो चुका है। INS संधायक हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप है जो इस बात का भी पता लगाएगा कि समंदर में कारोबारी जहाजों की आवाजाही, नहरों के निर्माण या फिर तेल की खोज में होने वाली खुदाई से पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। भारत का ये जहाज अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक समुद्री लुटेरों का काल भी है। समुद्र में मालवाहक जहाजों की बेखौफ आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ही INS संधायक पर बोफोर्स तोप भी तैनात की गई है और एक चेतक हेलीकॉप्टर भी हमेशा इसके डेक पर होता है ताकि जरूरत पड़ने पर बिजली की तरह दुश्मनों पर नौसेना के जांबाज झपट्टा मार सके। समंदर में आत्मनिर्भर भारत की यह नई झांकी है जिसकी सबसे शानदार मिसाल के तौर पर पीएम मोदी ने 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया था। भारत में बना यह पहला विमान वाहक युद्धपोत है जिसका मंत्र है, जो मेरे खिलाफ युद्ध लड़ेगा मैं उसे परास्त कर दूंगा। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंध है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम,
प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। INS विक्रांत पर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और मेक 29 फाइटर प्लेन की पूरी फ्लीट तैनात है। राफेल का मरीन वर्जन भी बहुत जल्द इस युद्धपोत पर होगा। इसी युद्धपोत पर ध्रुव और प्रचंड जैसे युद्धक हेलीकॉप्टर का भी बेस है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कवच से लैस INS विक्रांत अजय है, जो दुश्मन पर कई तरह के टॉर्पीडो, बराक और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से प्रहार करने की क्षमता रखता है। आसमान में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान LCA तेजस से शुरू हुई। ये फोर्थ जेनरेशन का पहला विमान है जो पूरी तरह भारत में तैयार हुआ है। वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए कारगर इस भारतीय फाइटर प्लेन को भारतीय वायुसेना के पायलट प्यार से उड़ता खंजर भी बुलाते हैं। भारतीय सेना को स्वदेशी मेन बैटल टैंक अर्जुन का आधुनिक वर्जन Mark 1A भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सौंपा। रेगिस्तान, जंगल और पहाड़, किसी भी हालात में दहाड़ लगाने वाले इस टैंक की टेक्नोलॉजी बेजोड़ है। कमिंग टू द अर्जुन Mark 1A, ऑल द स्टेट ऑफ आर्ट features have been incorporated in this. If you look at Arjun Mark 1, this tank has been added with 71 additional features. So this makes the tank state of the art, and so the Indian Army will get immensely benefited out of this tank. रूस के साथ joint venture company ने supersonic Brahmos missile को भारत में ही बनाया है, जिसकी demand अब दूसरे देशों की सेनाएं भी कर रही हैं। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी डील भी ब्रह्मोस की ही हुई है। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए $37,50,00,000 यानी $3,112 करोड़ में ब्रह्मोस खरीदने का सौदा किया है, जिसकी सप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हथियार उत्पादन के मामले में किसी भी देश की ताकत की पहचान इसी बात से होती है कि क्या उसके पास लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल, युद्धपोत, पनडुब्बी, टैंक और तोप बनाने की क्षमता है। भारत ने पिछले 10 साल में रक्षा उत्पादन के हर पैमाने पर खुद को साबित किया है, जिसका नतीजा है कि जो देश कभी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, अब वो दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग ₹2,000 करोड़ का था। वहीं बीते 2 साल में भारत करीब ₹17,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बीते 5 वर्षों से भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो ये नई ऊर्जा दिख रही है, इसके पीछे हमारे अतीत के अनुभव हैं, वर्तमान की आवश्यकताएं हैं और भविष्य की चुनौतियां भी। बीते 4-5 सालों में हमारा डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ है, इतने कम समय में। और ये नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है, हमने हमारे यहां उसका अल्टरनेट दिया है। हथियार बनाना सिर्फ देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती,
बल्कि यह वर्ल्ड ऑर्डर में किसी देश की हैसियत भी तय करता है। डिफेंस सेक्टर में मजबूत भारत की यही शक्ति अब कूटनीति पर भी असर दिखा रही है। अमेरिका यूरोप ही नहीं बल्कि अब अरब के देश भी भारत के साथ रणनीतिक दोस्ती मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भारत की शक्ति और नियत दोनों पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत रूस का ग्लोबल दबदबा हथियारों के दम पर ही कायम हुआ है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अपनी धमक भी हथियारों के दम पर बनाई। चीन की भी हैसियत तब बढ़ी जब उसने हथियार बनाने और बेचने का खेल शुरू किया। ये सबक दुनिया को बहुत पहले मिल चुका था कि रक्षा के क्षेत्र में किसी देश का आत्मनिर्भर होना सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक सफलता के लिए भी जरूरी है। भारत को यह बात समझने में थोड़ी देर हुई, लेकिन अब सब कुछ पटरी पर आ चुका है। डिफेंस सेक्टर को मेक इन इंडिया से जोड़ने का भारत को कूटनीतिक फायदा क्या हुआ, अब इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब की रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के 45 जवान इस वक्त राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना से जंग लड़ने के तौर तरीके सीख रहे हैं। बहुत से लोगों को ये मामूली बात लग रही होगी, क्योंकि अलग अलग देशों के साथ ऐसे युद्ध अभ्यास तो चलते ही रहते हैं, लेकिन सऊदी अरब और भारतीय सेना की ये ड्रिल मामूली नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। इसीलिए इस ड्रिल का नाम रखा गया है ऑपरेशन सदा तनसीख। अरबी भाषा में सदा तनसीख का मतलब होता है हमेशा के लिए तालमेल। भारत के साथ इस ड्रिल का फैसला करने की वजह यह थी कि राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका बहुत हद तक सऊदी अरब जैसा ही है, और रेगिस्तानी इलाकों में जंग लड़ने में भारतीय सेना बेजोड़ मानी जाती है। भारत और सऊदी अरब की इस रणनीतिक दोस्ती की शुरुआत साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से हुई। सऊदी अरब उस वक्त ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों के साथ साथ इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से भी परेशान था। क्योंकि सऊदी अरब परंपरागत रूप से पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा था, लिहाजा साल 2017 में जब उसने आतंक के खिलाफ जंग के लिए अरब और इस्लामिक देशों का गठबंधन बनाया, तो उसकी कमान भी सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ को सौंप दी। लेकिन पीएम मोदी के साथ जैसे जैसे सऊदी अरब की कूटनीतिक दोस्ती आगे बढ़ी, सऊदी अरब को भी समझ में आ गया कि उसकी सुरक्षा के लिए भारत जैसा मजबूत दोस्त ही जरूरी है। इसी भरोसे के साथ सऊदी अरब ने अपनी नौसेना के तीसरे हफ्ते में सऊदी अरब और भारतीय नौसेना ने इतिहास में पहली बार साझा युद्धाभ्यास किया। वही सिलसिला मई 2023 के चौथे हफ्ते में भी आगे बढ़ा। सऊदी अरब और भारतीय नौसेना की जॉइंट एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण भी सऊदी अरब में ही हुआ। भारतीय नौसेना के साथ दोस्ती शुरू हुई तो सऊदी अरब को समझ में आया कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी मकसद से सऊदी अरब ने किंग फहद नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे अपनी नौसेना के रंग रूटों को जून 2023 में भारत भेजा। भारत के युद्धपोत पर पहली बार सऊदी अरब की नौसेना के कैडेट्स ने नेवल वॉरफेयर का भारतीय अंदाज देखा और भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार से मुलाकात भी की। इस साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में सऊदी अरब के नौसेना प्रमुख एडमिरल फहद अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर आए। उनका दौरा इस बात की गारंटी देने के लिए था कि भारत और सऊदी अरब की रणनीतिक दोस्ती बेहद मजबूत हो चुकी है। इसके लिए दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल भी बना लिया है, जिसकी पहली मीटिंग सितंबर 2023 में हुई थी। रणनीति सीखने में नहीं, सऊदी अरब भारत के हथियार भी चाहता है।
इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत। सऊदी अरब की दिलचस्पी सिर्फ भारत से सैन्य रणनीति सीखने में नहीं है, सऊदी अरब भारत के हथियार भी चाहता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दुनिया में हथियार की सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाले टॉप 5 देशों में सऊदी अरब शामिल है। अभी सऊदी अरब के साथ भारत की डिफेंस डील कम है, लेकिन उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जानकार मानते हैं कि ये शुभ संकेत है, क्योंकि हथियार के बाजार में सऊदी अरब जैसा एक खरीदार किसी देश के डिफेंस सेक्टर की दशा और दिशा बदल सकता है। और वर्ल्ड वॉर 3 के अब आपको नॉट ट्रिगर दिखाते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त भीषण गदर मचा हुआ है। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की सरहद बारूद की गंध से महक रही है। रूस से लेकर अमेरिका तक, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक अजीब सी घबराहट है। हर कोई नए वर्ल्ड ऑर्डर का किंग बनना चाहता है और यही से पैदा होता है तीसरी वर्ल्ड वॉर का डर। ना बाइडेन झुकना चाहते हैं और ना ही पुतिन। वर्चस्व की इस जंग में कई और किरदार हैं जो न्यूक्लियर तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस यूक्रेन जंग के बाद इसराइल हमास वॉर इसका सबसे बड़ा सबूत है और अब अमेरिका ने हूती के खिलाफ विध्वंसक वॉर छेड़ दी है। इसमें 7 देश और शामिल हैं। आज आपको दिखाएंगे आखिर कैसे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 के नौ ट्रिगर एक्टिव हो गए। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। President will not tolerate attacks on American troops. We are living a critical situation in the Middle East on the whole region. Делать, если не будем защищать наших людей на Донбассе, бросили бы людей в Крыму. Вести испытания. Реально бомбу взорвали, так что мало не показалось, что... Can't let Putin win. Say it again, we can't let Putin win. Putin is so desperate to go to war. ये 2.5 साल पर भड़की बारूदी चिंगारी नहीं है, ये विश्व विनाशक जंग का खौफनाक ट्रेलर है। ये 2.5 साल पर ग्लोबल ऑर्डर को बदलने वाली जंग नहीं है, ये दुनिया के कई देशों का भूगोल बदलने की कवायद है। ये 2.5 साल पर ह्यूमन रेस के पायनों को बदल देने वाला वो बारूदी संग्राम है जो दुनिया के सर्वनाश के संकेत दे रहा है। आज दुनिया उस मोड़ पर है जो आने वाला कल पूरी तरह से बदल सकता है और ग्लोबल एक्सपर्ट्स इसे ही वर्ल्ड वॉर कहते हैं। आज TV9 भारतवर्ष क्यों कह रहा है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है। आज विश्व युद्ध के एक एक समीकरण का संपूर्ण विश्लेषण होगा। आखिर क्यों दुनिया के कई हिस्सों में बारूद सुलग रहा है,
आखिर क्यों वर्ल्ड पावर्स चाहकर भी इस कत्लेआम को नहीं रोक पा रहे? आखिर वो कौन से देश हैं जो वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बने हुए हैं? आज आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। सिर्फ 24 घंटे पहले अमेरिका ने अपने दुश्मन को जिस तरह तहलाया है उसकी तस्वीरें बेहद चौंकाती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन को मिलाकर 12 देशों ने यमन में बहुत बड़ा अटैक किया। हूती विद्रोहियों के एक एक ठिकाने को नेस्त नाबूद करने की कोशिश की गई। चौबीस घंटे में 36 ठिकानों पर 48 एयर स्ट्राइक हुई। सना में 13 हमले हुए, होदेदा में 9 हमले हुए, धामर में 6 हमले, ताइज में 7 हमले, हज़ाख में 5 हमले और अलबैदा में 8 हमले किए गए। इसके हवाले से बताया गया कि यमन में हथियार रखने की जगह मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से जुड़ी साइट्स पर लगातार मिसाइल दागी गई। होती विद्रोही जिस तरह से लगातार लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, इसके खिलाफ अमेरिका समेत कई देशों का ये वो एक्शन है जो जंग को और भड़काने वाला है। आठ देशों के जॉइंट ऑपरेशन में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड शामिल थे। पिछले कुछ समय से लगातार लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हूती ने अपने हमलों को बंद नहीं किया तो आगे भी ऐसे ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पनों पर एयर स्ट्राइक के बाद यमन भी बौखला गया है। हमलों के फौरन बाद यमन आर्म्ड फोर्स के प्रवक्ता याहिया सरी ने सीधे अपने दुश्मनों को ललकार दिया। याहिया सरी ने कहा, इस तरह के हमले यमन की फौज और देश को इसराइल के कब्जे और अपराधों के खिलाफ फिलिस्तीन के संघर्ष को अपना समर्थन जारी रखने से नहीं रोकेंगे। जब तक इजरायली फौज गाजा पर अपने हमले बंद नहीं कर देती, तब तक इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाना जारी रहेगा। यानी यमन ने भी काउंटर अटैक की कसम खा ली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस जंग में कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जबरदस्त टेंशन है। और कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस भी बेहद भावुक हो गए थे। उन्होंने भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यह जंग का वक्त नहीं है। When the Security Council gives its assent because all else has failed and the situation is so desperate to go to war. But that only exists in the most extraordinary of circumstances. War is not a policy of change. It cannot be in the normative sense. So let's promote and cultivate peace. Let us encourage dialogue and negotiation. And we must do so in our private lives as well as in our public lives. लेकिन डेनिस फ्रांसिस की इमोशनल अपील क्या किसी पर असर डालेगी? क्या ये बयान सुपर पावर्स को सोचने पर मजबूर करेगा कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो कहां तक जायज है? ऐसे में आपको बताते हैं कि जंग के वो कौन से किरदार हैं जो न थम रहे हैं न रुक रहे हैं बल्कि महाविनाश की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। रूस वर्सेस यूक्रेन, इसराइल वर्सेस हमास, इसराइल वर्सेस हिजबुल्ला, अमेरिका वर्सेस हूती, अमेरिका वर्सेस ईरान, नॉर्थ कोरिया वर्सेस अमेरिका, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया,
चीन वर्सेस ताइवान, पाकिस्तान वर्सेस ईरान, ये दुनिया में वर्ल्ड वॉर के 9 ट्रिगर पॉइंट्स हैं। कई देशों में जंग छिड़ी है, जबकि कई देशों में जबरदस्त टेंशन का माहौल है। कभी भी कोई बारूदी चिंगारी भीषण विनाश को दस्तक दे सकती है। और वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर की शुरुआत 2 साल पहले ही रूस और यूक्रेन जंग से हो गई थी। दुनिया में एंग्री मैन के नाम से मशहूर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एटम बम फोड़ने का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता रहा है। पुतिन ने यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमला कर रिहर्सल तो कर लिया है, लेकिन अब वो तीसरे विश्व युद्ध के मोड में हैं। और रशियन चैनल्स की तरफ से कई बार दावा किया जा चुका है कि मॉस्को से निकली मिसाइल चंद मिनटों में ही यूरोप के कई देशों को खाक कर सकती है। यही वजह है कि बाइडेन बार बार कहते हैं कि पुतिन को रोकना बहुत जरूरी है, यूक्रेन को हथियार भेजना बहुत जरूरी है। अगर पुतिन यूक्रेन में जीत गए तो वो आगे नहीं रुकेंगे।